हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग के बारे में, किस तरीका से इस तरीका का रोलिंग पाइप ड्राइंग देखते हैं और इसका टेम्पलेट कैसे बेंड करते हैं और इसमें ये जो एल्बो लगा हुआ है यहाँ पर कितना डिग्री का एल्बो लगा हुआ है यह हम कैसे जानेंगे, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ये लाइन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेल्डोलेट लगा करके ये लाइन अप के तरफ जा रहा है और यहाँ पे ये लाइन का जो डायमेंशन है यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनल पाइप डाया 50 लिखा गया है, यानी कि ये लाइन 2 इंच का है, 50 NPD डाया लिखा गया है। तो ये 2 इंच का लाइन हो गया, इस तरीका से डायमेंशन देखा जाता है। और यहाँ पे जो वेल्डोलेट है यहाँ पे देख सकते हैं 200x50 लिखा गया, यानी कि यहाँ पे जो हेडर रहेगा वो 8 इंच का लाइन रहेगा, इसलिए यहाँ पर 200 लिखा गया है। और इसके साथ जो ये ब्रांच निकल रहा है वेल्डोलेट लगा करके ये 2 इंच का रहेगा, तो यहाँ पर इसलिए 50 लिखा गया है, 200x50 NPD डाया का यहाँ पर वेल्डोलेट लग रहा है। तो इस तरीका से इसका डायमेंशन देखा जाता है। और उसके बाद यहाँ से ये लाइन अप के तरफ जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं ये एल्बो यहाँ पर लगा करके ये लाइन का डायरेक्शन इस तरीका से दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थिंग ईस्टिंग ये ड्राइंग में कट गया है, तो हम इधर नॉर्थ मानते हैं और इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो ये लाइन यहाँ से अप होकर के ईस्ट की तरफ जा रहा है और उसके बाद अप हो रहा है, यहाँ से ये अप के तरफ जा रहा है, यानी कि ये वर्टिकल रोलिंग है, इसको वर्टिकल रोलिंग कहेंगे। तो यहाँ से ये अप के तरफ रोलिंग दिखा रहा है और इसका डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 6, 7, 8 ईस्ट की तरफ जा करके और उसके बाद अप के तरफ जो जा रहा है वो भी 6, 7, 8 डायमेंशन है। तो इसके मतलब ये दोनों अगर सेम है तो ये जो है 45 डिग्री में यहाँ पर ये लाइन है। तो यहाँ पे जो एल्बो रहेगा वो भी 45 डिग्री का रहेगा और यहाँ पर भी जो एल्बो रहेगा वो भी 45 डिग्री का रहेगा। तो इस तरीका से डिग्री का पहचान करेंगे। अगर ये डायमेंशन अलग अलग दिया गया है तो वो अलग डिग्री में रहेगा, उसको हम कैलकुलेशन करके डिग्री निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ दोनों का एल्बो का जो डिग्री है वो कितना रहेगा। इस तरीका से हम डिग्री निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है EL लिख करके, ये एलिवेशन है इसका, ये एल्बो सेंटर का एलिवेशन, यानी कि यहाँ पर ये लाइन कितना ऊंचाई पर है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है कि यहाँ पर आकर के ये लाइन कितना ऊंचाई पर हो जा रहा है। इस तरीका से एलिवेशन भी मैच किया जाता है ताकि आपको पता चले कि यहाँ से और यहाँ तक ये लाइन जाने के बाद कितना ऊंचाई पर हो जा रहा है। तो ये जो डायमेंशन है इसमें से ये वाला डायमेंशन जब आप माइनस करेंगे तो इतना ही डायमेंशन आपको बचेगा। तो इस तरीका से एलिवेशन देखा जाता है और यहाँ से ये लाइन अप के तरफ जा रहा है और वापस यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है ये एल्बो सेंटर का, यहाँ से ये जितना ये अप होगा यहाँ पर एलिवेशन में ये प्लस हो जाएगा जो डायमेंशन यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर एल्बो लगा करके यहाँ से ये लाइन साउथ के तरफ जा रहा है, अगर हम इसको नॉर्थ इधर मानते हैं तो ये लाइन ऐसे साउथ के तरफ जा रहा है और उसके बाद यहाँ से ये लाइन वेस्ट के तरफ जा करके और अप में रोलिंग दिखा रहा है, यहाँ से वेस्ट से अप में रोलिंग। तो ये भी वर्टिकल रोलिंग है और यहाँ पर कितना डिग्री का एल्बो रहेगा, यहाँ से ये लाइन साउथ डायरेक्शन में आकर के यहाँ से ये वेस्ट में दिखा रहा है और उसके बाद अप दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्टिकल रोलिंग हो रहा है। सिर्फ ये जो है 90 डिग्री का ही एल्बो रहेगा, यहाँ पर जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट में आपको रोलिंग करना होगा, यहाँ पर जो डिग्री रहेगा एल्बो का वो 90 डिग्री का रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर भी एक एल्बो लग रहा है, जो एल्बो लगा करके इसका डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये नॉर्थ के तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो एल्बो रहेगा उसका भी डिग्री जो है 90 डिग्री का ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और एल्बो लग रहा है जिसका डायरेक्शन अप के तरफ दे रहा है, यहाँ से ये एल्बो लगा करके अप के तरफ जा रहा है, तो इसका भी 90 डिग्री का ही रहेगा। और देख सकते हैं कि हर एक जगह का यहाँ पर एलिवेशन भी लिखा गया है, देख सकते हैं इस ज्वाइंट का एलिवेशन यहाँ पर लिख दिया गया है और ये एल्बो का भी यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एलिवेशन से और ये एल्बो का एलिवेशन थोड़ा अप रहेगा क्योंकि यहाँ से ये लाइन अप हो जा रहा है 907 mm। और ये जो अप हुआ है कितना डिग्री में अप हुआ है यहाँ पर आपको डिग्री निकालना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1050 है और इधर 907 है, यानी कि ये 45 से थोड़ा कम ही रहेगा डिग्री यहाँ पर क्योंकि ये डायमेंशन कम है। तो आपको डिग्री निकालने का तरीका मैं पहले बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ किस तरीके से डिग्री निकालते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं इतना बता दूंगा कि ये 45 डिग्री के अंदर ही आएगा, 45 डिग्री भी नहीं रहेगा, थोड़ा कम ही रहेगा, 34-40 ऐसा डिग्री रहेगा ये यहाँ से ये अप के तरफ। और यहाँ पे जो एल्बो है वहीं पर आपको रोलिंग करना है, ये एल्बो जो है 90 डिग्री का रहेगा। तो मैं आपको इसका एक टेम्पलेट बैंड करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसका टेम्पलेट बैंड करेंगे ताकि आपको और क्लियर ड्राइंग देखने आ जाए और बिल्कुल समझ में आ जाए कि ये लाइन किस तरीके से जा रहा है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम टेम्पलेट ले लेंगे और अपने सामने हमेशा नॉर्थ मानेंगे और इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। इस लाइन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ नीचे से, तो यहाँ से ये लाइन इस तरीके से अप के तरफ जा रहा है, थोड़ा ये वायर बड़ा है तो इसको हम ऐसे छोटा कर लेते हैं इतना। तो यहाँ से ये लाइन इस तरीके से ये अप के तरफ जा रहा है और यहाँ से ये लाइन 45 डिग्री का एल्बो लगा करके ईस्ट के तरफ जा रहा है और उसके बाद अप हो रहा है।
तो यहाँ पर इस तरीका से 45 डिग्री का एल्बो लगा करके इस तरीका से ईस्ट की तरफ जा रहा है और उसके बाद अप हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट गया और अप हुआ इस तरीका से, और यहाँ पर एक और 45 का एल्बो लगा करके इस तरीका से अप हुआ, अप के तरफ जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ से ये लाइन 45 का एल्बो लगा के अप के तरफ जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके ये लाइन साउथ के तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमें इस तरीका से 90 डिग्री का एल्बो लगा करके इस तरीका से हम साउथ के तरफ ऐसे हम बेंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये लाइन इस तरीका से साउथ की तरफ आ गया, और ये डिग्री में रहेगा इस तरीका से, और ये बिल्कुल सीधा साउथ की तरफ आ गया। और यहाँ से ये लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके वेस्ट की तरफ आ रहा है और उसके बाद अप हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक और 90 डिग्री का एल्बो बनाएंगे इस तरीका से वेस्ट की तरफ, देख सकते हैं, और उसके बाद ये लाइन अप की तरफ रोलिंग करना है। यहाँ पर इस तरीका से अप की तरफ रोलिंग करना है, देख सकते हैं ये अप की तरफ रोलिंग हो गया। और यहाँ से ये लाइन वापस यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके लाइन नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक और हम 90 डिग्री का इस तरीका से एल्बो लगाएंगे और ये नॉर्थ की तरफ इस तरीका से जाएगा, देख सकते हैं ये नॉर्थ की तरफ चला गया। और यहाँ पर एक और 90 डिग्री का एल्बो लगा करके लाइन अप की तरफ मोड़ देना है। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एल्बो लगा देना है इस तरीका से, और ये अप की तरफ हो गया। तो इस तरीका से आपको इसका टेम्पलेट बेंड करना है, देख सकते हैं किस तरीका से ये बेंडिंग हुआ है, ऐसे ही आपको बेंडिंग कर लेना है। इसको मैं थोड़ा घुमा के दिखा रहा हूँ आपको किस तरीका से है ये जो बिल्कुल सीधा रहेगा इस पोजीशन में, लेकिन जब आप इधर से देखेंगे तो ये डिग्री में रहेगा इस तरीका से, और ये नीचे की तरफ डिग्री में रहेगा, और ये जो है ऊपर की तरफ डिग्री में रहेगा, और इस तरीका से ये रहेगा। देख सकते हैं ये किस तरीका से टेम्पलेट हुआ है बेंडिंग। तो इस तरीका से आपको टेम्पलेट बेंड करना है और उसके बाद लाइन को फैब्रिकेशन करना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीका से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और नीचे इस तरीका का रेड बटन होगा उसे आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।